नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज रफ्तार खबरों का बुलेटिन पंचनामा, यानी जो खबरें कल अखबार के फ्रंट पेज पर आप पढ़ेंगे उन्हें अभी आधे घंटे में देख लीजिए। लंदन से जर्मनी तक राहुल गांधी का पीएम मोदी और बीजेपी पर सबसे ताजा हमला क्या है, राजनीति की सब बड़ी खबर दिखाएंगे आपको। उत्तर प्रदेश में आतंकी आतंक, लखनऊ से लेकर संभल तक अपराधियों के ठेंगे पर है कानून, पंचनामा में सब दिखाएंगे आपको। और देश के चुनावी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनावी चालें क्या चली जा रही है ये भी बताएंगे आप। तो चलिए पंचनामा की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, और ये वो खबर है जिसने आधे हिंदुस्तान को परेशान करके रखा हुआ है। बारिश और बाढ़ से देश के कई हिस्से तबाह हो चुके हैं। सबसे पहले हरिद्वार से आई एक हैरान कर देने वाली तस्वीर देखिए। ये है तेल का वो टैंकर जो हरिद्वार की कोटावाली नदी के तेज बहाव में तिनके की तरह बह रहा है। कोटावाली नदी में बारिश की वजह से जलस्तर बढ़ गया है और पानी की धार बेहद खतरनाक हो गई है। तेल का ये टैंकर खाली था, इसमें कुल 4 लोग सवार थे। कोटावाली नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त है। पुलिस पूरे मामले में टैंकर ड्राइवर की लापरवाही बता रही है। पुलिस के मना करने के बावजूद टैंकर ड्राइवर क्षतिग्रस्त पुल से गया था। एनएच के जो वहाँ पर कर्मचारी लगे हैं उन्होंने रोका, वहाँ से गाड़ियों को बैक कराया जा रहा था। हमारे पुलिस के कर्मचारी भी पीछे थे जो बैक करवा रहे थे, लेकिन इसने नहीं माना और तेजी से टैंकर लेकर जो है कोटावाली का जो अस्थायी टेम्परेरी जो एक व्यवस्था बनाई गई है उस पर चला गया, जहाँ जो है बहाव तेज होने की वजह से ये बह गया। तो चित्रा, जैसे आपने दिखाया बारिश से सिर्फ उत्तराखंड में ही हाल खराब नहीं है, बल्कि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां भी बारिश का कहर है। तस्वीर टीकमगढ़ की, जहां हालात बेहद गंभीर है। टीकमगढ़ में भारी बारिश के बाद इस उफनते नाले का पानी सड़क के ऊपर आ गया। इसी में नाला पार कर रहे एक युवक का संतुलन अचानक बिगड़ता है और वो पानी में गिर जाता है। पानी की धार बहुत तेज है और युवक बहने लगता है। ये तो शुक्र है कि आसपास कुछ युवक मौजूद थे जिन्होंने पानी में छलांग लगाकर इसकी जान बचा ली। अगली तस्वीर भी टीकमगढ़ की ही है, जहां कांवड़िए जान जोखिम में डालकर सतार नदी को पार करने पर मजबूर है। भारी बारिश के बाद सतार नदी पर बना पुल पानी में डूब गया है। प्रशासन ने कांवड़ियों के लिए नदी पार करने का कोई इंतजाम नहीं किया, इसलिए कांवड़िए रस्सी के सहारे नदी को पार करने के लिए मजबूर है। तो आपने टीकमगढ़ का हाल देखा, आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश के नीमच में, वहां भी लोगों का हाल बेहाल है। नीमच में भारी बारिश के बाद ये हाल है नदी और नालों का। इस नदी की धार देखिए, धार इतनी तेज कि सामने जो भी आए बह जाए। नदी और नालों में आए तूफान के बाद कई गांवों की सड़कें बह गई हैं। कटान की वजह से खेती की जमीनों का भी बुरा हाल है। मनासा तहसील में कई गांव टापू बन गए हैं और कई गांवों का संपर्क पूरी तरह जिला मुख्यालय से टूट चुका है। और बारिश से तबाही सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश से भी ऐसी कई खबरें आ रही हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और दर्जनों गांवों पर बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी में बाढ़ से ग्रस्त इलाकों का हवाई जायजा लिया। आपको बताते हैं कि लखीमपुर खीरी में कहां कहां बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। ये लखीमपुर खीरी के निघासन तहसील की तस्वीरें हैं। सड़क पर इतना पानी है कि बाइक भी आधी डूब कर ही जा रही है। अब दूसरी तस्वीर देखिए लखीमपुर खीरी के ही धौरहरा तहसील की, जहां पानी सड़कों से होकर अब गांवों के अंदर दाखिल हो गया है। यहां शारदा नदी का बहाव बेहद तेज है और कई सड़कों की बली इसी तेज धार ने ले ली है। दरअसल नेपाल की मोहना नदी में उफान आया है। मोहना नदी में उफान की वजह से शारदा नदी में भी उफान आ गया है। और देखिए अगली जो तस्वीर है वो भी उत्तर प्रदेश से ही है। उत्तर प्रदेश के इटावा में भारी बारिश ने जिला अस्पताल का क्या हाल कर दिया है वो देखिए। ये कोई टापू नहीं बल्कि इटावा का जिला अस्पताल कैंपस है, जिसमें पानी इतना भरा है कि मरीज से लेकर डॉक्टर तक सब पानी पानी होकर अस्पताल के अंदर पहुंच रहे हैं। अस्पताल परिसर में इस तरह पानी भरने की वजह से मरीजों और परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हॉस्पिटल में जिनका इलाज चल रहा है उनमें इन्फेक्शन का भी खतरा बढ़ गया है। मरीजों और उनके परिजनों का हाल बेहाल है, कितना पानी भरा हुआ है तस्वीरें आपने देख ली। और अब मुजफ्फरनगर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां बारिश ने पूरे शहर को डुबा दिया है। अगर गाड़ियां खड़ी न हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि तालाब है या शहर की मुख्य सड़क। ये हाल है मुजफ्फरनगर का कुछ ही घंटों की बारिश के बाद। सड़क, दुकान, दफ्तर सब पानी में डूबे हैं। शहर के अलग अलग हिस्सों में कई फीट तक पानी भर गया। इस बद इंतजामी के लिए लोग नगर पालिका से नाराज हैं। मुजफ्फरनगर के लोगों का आरोप है कि नगर निगम ने वक्त रहते नालों की सफाई नहीं की, इसलिए शहर का ये हाल हो गया। आइए अब आपको राजस्थान के कोटा हम लेकर चलते हैं और कोटा की एक तस्वीर दिखाते हैं। वहां 48 घंटे की बारिश में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। ये कोटा का पुलिस लाइन है, जिसमें बने घरों में इतना पानी घुस गया कि बेडरूम से लेकर किचन तक सब पानी पानी हो गया है। इतना ही नहीं, कोटा के अनंतपुर इलाके में तो नगर निगम की रेस्क्यू टीम की तरफ से नाव तक चलाई जा रही है। कई जगहों पर 4 फीट से ज्यादा पानी भर गया है।
दरअसल मध्य प्रदेश में हो रही बारिश की वजह से कोटा में चंबल नदी पर बने बांध का जलस्तर बढ़ गया। बांध के 5 गेट भी खोलने पड़े। अब आपके शहर में मौसम का क्या हाल है, ये देखने चलते हैं मौसम सेंटर फौजिया के पास। नमस्कार, क्लाइमेट वेदर रिपोर्ट के साथ मैं हूँ फौजिया। आज उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों, बिहार और झारखंड के शहरों बरेली, बहराइच, गोरखपुर, पटना, गया, रांची में मध्यम से भारी वर्षा हुई। नाहन, शिमला, देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी सहित हिमाचल और उत्तराखंड के शहरों में भी मानसूनी बौछारें जारी रहीं। अब देखते हैं आपके शहर में 25 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम। कश्मीर पर बने सर्कुलेशन के कारण नॉर्थ इंडिया में मानसून लगातार एक्टिव है। कल कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड के शहरों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। शिमला, ऊना, देहरादून, नैनीताल में लैंडस्लाइड्स की भी आशंका है। इस बीच दिल्ली, चंडीगढ़ सहित पंजाब, हरियाणा में मध्यम वर्षा की उम्मीद की जा सकती है। मॉनसून की अक्षीय रेखा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल पे बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के तराई वाले शहरों यानी बरेली, रामपुर, बस्ती, बहराइच और गोरखपुर में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इन भागों में बाढ़ की स्थिति और गंभीर होने की आशंका है। दूसरी ओर आगरा, लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद, साउथ यूपी में मध्यम बारिश की उम्मीद है। बिहार में पटना, गया, पूर्णिया सहित बाकी शहरों में हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिल सकती है। वहीं रांची, भुवनेश्वर, कटक, डायमंड हार्बर सहित झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की सिटीज में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। मध्य भारत में ग्वालियर, रेवा, सतना, बलरामपुर समेत नॉर्थ ईस्ट एमपी और नॉर्थ छत्तीसगढ़ में वर्षा की इंटेंसिटी तेज रहेगी। मौसम का हाल देखा आपने, अब बात सियासी मौसम की। दिन की बड़ी खबर, राहुल गांधी अभी कुछ घंटे पहले लंदन पहुंचे हैं और वहां उन्होंने गठबंधन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। The election, if you look at the media has already said, like they did in 2004, that India is shining and the BJP is going to come to power. Look at the math. And the math's pretty simple. If there is an alliance in UP and Bihar, the BJP cannot win the election. It's straightforward. There's 80 seats in UP. An alliance in Uttar Pradesh between the BSP, the Congress and the SP will mean the BJP cannot win 5 seats. You are 60% of the vote. Similar in Bihar. That's 40 seats. That's 120 seats gone. तो देखिए, विदेशी जमीन से दरअसल राहुल गांधी जो हैं वो लगातार भारत सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं। लंदन से पहले जर्मनी में भी राहुल गांधी ने इसी तरीके से बीजेपी सरकार पर हमला बोला और इसके अलावा उन्होंने बीजेपी सरकार पर देश बांटने का भी आरोप लगाया। When the Congress party comes to power or the Samajwadi comes to power or the BSP comes to power or the DMK comes to power, they don't try to attack and capture India's institutions. What we're dealing with is a completely new idea. It's an old idea being reborn. And it's similar to the idea that exists in the Arab world with the Muslim Brotherhood. And I would compare it. And the idea is that one ideology should run through every single institution. One idea should crush all other ideas. And so you see the response of 4 Supreme Court judges who come out and say we're not being allowed to do our work. You see Mr. Raghuram Rajan and the shock of demonetization. You can see India's institutions being torn down one by one. And the realization that we are fighting now something that is trying to destroy the modern idea of India. बीजेपी के ऊपर सीधा हमला राहुल गांधी का, आपको बता दें न्यू इंडिया के लिए बीजेपी की सोच को वो विनाशकारी बता रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी बोले और बीजेपी उसका जवाब ना दे, ऐसा भला कैसे हो सकता है। बीजेपी ने कहा है कि अब राहुल ने विदेशों में देश को बदनाम करने की सुपारी ले ली है। मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी जी को किसी ने देश को बदनाम करने और देश के लोगों को बदनाम करने की सुपारी दे रखी है और वो जिस तरह की भाषा और जिस तरह का व्यवहार वो विदेश की धरती पे कर रहे हैं, जिस तरह से देश को बदनाम करना, देश में आतंकवाद की बात करना कि आतंकवादी पैदा हो जाएंगे देश में जो बीजेपी आरएसएस को बदनाम करने की कोशिश करना, तो या तो उन्हें ये लग रहा है कि अब हमें देश के लोगों पर यकीन नहीं रह गया, देश की धरती पर यकीन नहीं रह गया, इसलिए विदेश में कहीं किस्मत आजमाएंगे हम।
तो ये साफ है कि 2019 से पहले राहुल गांधी के बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। कल योगी ने बैठक की तो सबको लगा कि क्राइम पर बात होगी, लेकिन मीटिंग के बाद जो सामने आया वो चौंकाने वाला है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते क्राइम के ग्राफ को लेकर योगी राज पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार इन सवालों से बचने की कोशिश कर रही है। कल योगी सरकार ने पुलिस अफसरों के साथ एक बैठक की, लेकिन बैठक में बढ़ते क्राइम ग्राफ पर चर्चा तक नहीं हुई। हम लोग आशा करते हैं कि जितने भी हमारे विभाग हैं पुलिस के, वो सब उसमें जल्दी से, वो इसमें क्राइम के ऊपर नहीं डिस्कशन हुआ। ये डिस्कशन केवल उन प्रोजेक्ट्स, उन कार्यों के बारे में हुआ जो चल रहे हैं और जो पेंडिंग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल लखनऊ में बैठक के कुछ घंटों बाद ही यूपी के बरेली और संभल में सांप्रदायिक तनाव में फैल गया। सबसे पहले बरेली का हाल देखिए। बरेली में तो पिछले कई दिनों से तनाव चल रहा है। यहाँ पर मामले को शांत कराने के बजाय प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। 21 अगस्त को कावड़ यात्रा में हथियारों के साथ जुलूस निकला था, उसके बाद गुरुवार को फिर कावड़ यात्रा निकलने को लेकर विवाद हुआ। विवाद ने अब सांप्रदायिक तनाव का रंग ले लिया है। खजूरिया, उमरिया और नकटिया गांव में तनाव है। तनाव को देखते हुए इन गांवों के हर रास्ते को ब्लॉक कर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अब पूरा मामला समझिए। रविवार को कावड़ियों को मुस्लिम बहुल उमरिया गांव से गुजरना था। उमरिया के लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध पर डीएम ने कावड़ यात्रा पर रोक लगा दी। इसके बाद बीजेपी नेता कावड़ियों के साथ खड़े हो गए, जिसके बाद कावड़िये धरने पर बैठ गए। गुरुवार को फिर एक अफवाह के बाद एक समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए। कुछ ऐसा लगता है कि कुछ जो हमारी सूचना है कि कुछ अफवाह फैल गई या कुछ लोगों के मन में आशंका आई, तो प्रशासनिक अधिकारियों से कहा गया कि लोगों को समझा दें और एहतियात के तौर पर पर्याप्त पुलिस बल भी है और मजिस्ट्रेट भी हैं और आगे भी रहेंगे वहां पर। और बरेली के बाद बात यूपी के ही संभल की। संभल में भी दो ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे सांप्रदायिक माहौल खराब हो रहा है। संभल के नखासा में दो समुदाय आमने सामने आ गए। एक घंटे तक दो समुदायों के बीच पथराव होता रहा, जिसमें 8 लोगों को चोट आई है। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को हिरासत में लिया है। कसूरबा गांव के एक धर्मस्थल के पास खड़े होकर मोबाइल फोन पर गाना बजाने से झगड़े की शुरुआत हुई। आरोप है कि शराब पीकर खड़े दो युवकों और एक मुस्लिम युवक के बीच कहासुनी हुई, जो झगड़े में तब्दील हुई और फिर धीरे धीरे इसमें दोनों समुदाय शामिल हो गए, जिसके बाद मारपीट हुई और दोनों तरफ से पथराव हुआ। SSP, SDM और CO समेत 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने पथराव कर रहे लोगों को वहां से खदेड़ा। अभी जो प्रारंभिक बात प्रकाश में आई है, उसके हिसाब से एक समुदाय के 2-3 लोग शराब पी करके एक मस्जिद के सामने खड़े होकर के कुछ गाली गलौज कर रहे थे, जिसका विरोध दूसरे समुदाय के लोगों ने किया है। उसमें दोनों समुदायों के बीच हल्की फुल्की मारपीट हुई है। अभी यही बातें प्रकाश में आ रही हैं। गांव में सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए पुलिस और PAC की तैनाती कर दी गई है। तो ये उत्तर प्रदेश की हकीकत, जहां एक तरफ अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विधायक के गुर्गे सरेआम गुंडागर्दी करने से बाज नहीं आ रहे। ये राजधानी लखनऊ की तस्वीरें हैं। जो चिल्ला रहे हैं वो बीजेपी विधायक अविनाश त्रिवेदी के गुर्गे बताए जा रहे हैं। आरोप है कि विधायक के गुर्गों ने एक दारोगा की पिटाई कर दी। अब पूरा मामला समझिए। बताया जा रहा है कि विधायक अविनाश त्रिवेदी साथियों के साथ अटल बिहारी वाजपेयी के अस्थि कलश यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। उनके साथ लखनऊ विश्वविद्यालय में मारपीट का आरोपी प्रशांत मिश्रा भी था। प्रशांत मिश्रा पिछले कई दिनों से फरार चल रहा था। हसनगंज चौकी इंचार्ज ने प्रशांत को गिरफ्तार करने की कोशिश की। इस पर विधायक और गुर्गे दरोगा से बदसलूकी करने लगे। थोड़ी देर में विधायक के गुर्गों ने दरोगा की पिटाई कर दी। अब बीजेपी विधायक अविनाश त्रिवेदी ने पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए बयान दिया है। वो देखते हुए पैदल पैदल आ रहा था, उसके बाद हनुमान सेतु मंदिर के जस्ट अपोजिट कुछ लोग खड़े हुए थे और आपस में तगड़ा विवाद हो रहा था, तो उसमें किसी ने हमको आवाज दिया, विधायक जी। तो मैं तुरंत पलट करके मैं खड़ा हूँ, हमने क्या बात है, कहने लगे आप इधर आ जाइए, हमने क्या बात होगी। तो मैंने देखा वहाँ भी झगड़ा हो रहा था आपस में, तो मैंने उनके दोनों पक्षों को मैंने समझाने की पूरी कोशिश किया। और जब मुझे लगा कि हमारे समझाने से नहीं समझने वाले, तो मैंने जो पुलिस के उच्च अधिकारी थे, मैंने उनको तुरंत फोन किया, संपर्क किया, मैंने कहा आप लोग आ जाओ यहाँ। नेहा, एक तो लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है, और अब देखिए विधायक के साथ जुड़े लोग ही गुंडागर्दी पर उतारू हो गए हैं। भोपाल में वही एक शख्स ने पुलिस वालों को ना सिर्फ धमकी दी, बल्कि खुद को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जीजा बताते हुए गालियां भी दी। चश्मा लगाए और बैगनी रंग की शर्ट पहने शख्स ने पुलिस वालों के साथ जमकर अभद्रता की, धमकियां दी, गालियां दी। पुलिस वालों ने रोका तो खुद को बता दिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जीजा।
जी हाँ, इसके मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उसके साले हैं। यकीन ना आए तो सुन लीजिए। अरे आप तो बता देना, एसपी को बता देना, जेल पहुंचा देना, और लेना आरोप वाली बात। हाँ, अरे सीएम साहब के सामने हैं, ये बोल रहे हैं आप। हाँ, वो मेरा साला मुख्यमंत्री, तुम क्या समझते हो अपने आप में? अच्छा, मुख्यमंत्री जी, सीएम साहब के साले। हाँ, अब जीजा साले के इस खेल में फंस गई बेचारी भोपाल पुलिस, जो चुनाव आयोग के आदेश पर गाड़ियों में लगे अवैध हुटर की चेकिंग कर रही थी। जेल रोड पर इस गाड़ी को रोककर कागज मांगा तो मानो आफत ही आ गई। आफत आती तो भी ठीक था, लेकिन ये शख्स तो खुद को सीएम का जीजा बताकर गाड़ी से निकला और पुलिस वालों को ही हड़काने लगा। हालत तब और गंभीर हो गई जब इस हंगामे की खबर मिलने और जीजा जी के खुलासे के बाद आला अफसर भी मौके पर नहीं पहुंचे। पुलिस वालों को बिना कार्रवाई आरोपी युवक को छोड़ना पड़ा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जब इस बारे में पूछा गया तो उनका जवाब भी सुन लीजिए। ऐसा भैया, मेरी करोड़ों बहनें हैं मध्य प्रदेश में, अब मैं बहुत से लोगों का साला हूं। पुलिस अपना काम करेगा। हम आपको बता दें, आपके चैनल एबीपी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद 3,000 रुपए का जुर्माना इस शख्स पर ठोका गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात राजस्थान विधानसभा चुनाव की, जहां गौरव यात्रा में आज वसुंधरा ने तलवार उठा ली। हम सबको गौरवान्वित कर रही है क्योंकि ये केसरिया बाना हम सब ने वोट रखा है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वसुंधरा ने अपने विरोधियों को कुछ इस अंदाज में ललकारा। तस्वीरें सीएम के गौरव यात्रा की हैं। तीसरा चरण आज जैसलमेर से शुरू हुआ। करीब 600 महिलाएं आयोजन में पहुंची और उन्होंने वसुंधरा को तलवार भेंट की। दो सौ सीटों वाली राजस्थान विधानसभा में इसी साल के आखिर में चुनाव होने हैं। चले अपनी अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अटल जी की अस्थि कलश यात्रा के दौरान मंत्रियों के ठहाके लगाने पर मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कड़ा बयान दिया है। अब ऐसा है कि इस प्रकार के विषय जो धोखे में होते हैं, पर उनको सचेत किया जाता है। आपको बता दें, अटल जी की अस्थि कलश यात्रा की श्रद्धांजलि सभा के दौरान रमन सरकार के दो वरिष्ठ मंत्री ठहाके मारकर और मेज पीट कर हंसते हुए कैमरे में कैद हुए थे। और राजस्थान के बाद खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने आज ममता बनर्जी को बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को 34% सीटों के नतीजे जारी करने को कहा है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव में इन नतीजों को जारी करने पर रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ई नॉमिनेशन का प्रावधान निर्वाचन नियमों का हिस्सा नहीं है। अगर किसी को चुनाव प्रक्रिया से शिकायत है तो वो अगले 30 दिनों के भीतर याचिका डाल सकता है। पंचायत चुनाव के दौरान करीब 34% सीटों पर टीएमसी ने निर्विरोध जीत दर्ज की, जिस पर सवाल उठे थे। करीब 20,159 सीटें थी जिनके नतीजे घोषित नहीं किए गए थे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।